तो फाइनली गाइस मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। अभी आप देख सकते हो ये LPT 407 है जो कि एक्सीडेंट हो गया है और इसका कंडीशन अभी देख सकते हैं आप कितना ख़राब हो चुका है, कितना ज़्यादा डैमेज है और रस्टिंग है। तो इसे डेंटिंग किया जाएगा, डेंटिंग करने के बाद इसे पेंट किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो डाला पूरा गंदा हो चुका है और बैक डाला भी आप देख सकते हो कितना डैमेज है और बैक डाला डेंट नहीं हुआ क्योंकि इसका ओनर ने मना किया है डेंटिंग करने से बैक डाला को, जो सामने टाटा लिखा हुआ दिख रहा है। एंड आप अभी राइट साइड में देख सकते हो उधर भी, एंड अभी आप देख सकते हो ये जो आपको डाला दिख रहा है वो पूरा डैमेज हो चुका है, देख सकते हो आप राउंड कर गया है थोड़ा। एंड यहाँ ऊपर अभी आप देख सकते हो ऊपर में तोड़ दिया है पाइप को, एंड देख सकते हो राउंड हो चुका है, बीच में निकल गया है और साइड साइड में घुस गया है और इस साइड भी सेम ही कंडीशन है। और यहाँ पर अभी जक मारा गया है, देख सकते हो आप जक से खींचा जा रहा है ताकि जो बाहर निकला हुआ पार्ट है वो अंदर आ जाए, और यहाँ से ठेला जा रहा है ताकि जो अंदर घुसा हुआ है बीच में वो बाहर निकल सके। सो वीडियो पे बने रहें एंड फुल वॉच करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट भी कर देना। एंड फाइनली गाइस यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ पर पुदान है गाड़ी का जो कि डैमेज हो गया था, तो इसे खोल करके डेंट किया जा रहा है और इसको फिर फिट किया जाएगा उसमें। तो खोलने का वीडियो नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, पार्ट पार्ट खोलना पड़ता, जिसके कारण से कम गाड़ी लगभग कुछ दिन तक रहता है डेंट होने के लिए। सो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है जिसके कारण से वीडियो नहीं ज़्यादा लंबा करना चाहता हूँ, जिसके कारण से आप भी बोर हो जाओगे देख देख कर, इसलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूँ। यहाँ देख सकते हो डेंटिंग होने के बाद इसे फिट किया जाएगा, वो मैं आपको आगे दिखा दूँगा। एंड देख सकते हो कहाँ से कटिंग हुआ है। तो फाइनली गाइस यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ पर पुदान लग गया है और ऊपर में गेट भी डेंटिंग हो चुका है। एंड अभी आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट कोट भी कंप्लीट हो चुका है और फाइनल कोट के लिए पोटिंग लगाया गया है, और देख सकते हो आप बम्फर भी लग चुका है और डाला में भी आप देख सकते हो डाला में भी पेंट हो चुका है। एंड मैं आपको चेंजेस दिखाता हूँ अब। आप देख सकते हो डाला के अंदर अंदर भी पेंट कंप्लीट हो चुका है जो कि फाइनल है डाला के अंदर अंदर। एंड अभी आप देख सकते हो चेचिस में ब्लैक कलर हुआ है बाहर बाहर, क्योंकि केबिन और डाला दोनों उतारना पड़ता है अगर अंदर बाहर अच्छे से किया जाता तो, पर केबिन और डाला दोनों चेचिस के ऊपर चढ़ा हुआ था जिसके कारण से बाहर बाहर ब्लैक कलर का पेंट हुआ है। देख सकते हो आप कितना सॉलिड दिख रहा और चमक भी देख सकते हो आप कितना शाइन कर रहा है, और चारों रिम में भी हुआ है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और साइड में देख सकते हो आप साइड जाली भी हुआ है और मैं आपको आगे दिखाता हूँ पूरा चेचिस ब्लैक कलर में हुआ है। एंड बाहर भी अभी आप देख सकते हो, एंड यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ पर रिम है और रिम भी ब्लैक कलर हो चुका है। एंड यहाँ डैशबोर्ड के नीचे आप देख सकते हो जहाँ पर टायर का कचरा जमा हो जाता है वहाँ भी पेंट किया गया है ताकि मिट्टी के कारण जंग लग कर सड़े ना। एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ अपोजिट साइड में है उसका, यहाँ भी कितना सॉलिड दिख रहा है, चमक आप देख सकते हो कितना सॉलिड है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर देना। एंड अभी आप देख सकते हो मैं उस साइड में बताया था, इस साइड में सेम है।